हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है, जहां मैं बात करती हूं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल के बारे में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूं जो कि शादी सीजन ऑब्वियसली आ चुकी है, शादी से रिलेटेड वीडियो। सो जो कि शादी में एक्सेसरीज आप लोग को बहुत ही जरूरी है, और जो एक्सेसरीज मैं यूज करने के लिए बताऊंगी वो शादी में आप लोग को चार चांद लगा देंगे, एंड आप लोग बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और जो भी मिसिंग होता है वो याद करके ये चीजें रख लगा देंगे, एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैंडसम एंड बहुत ही अच्छा। सो चलिए, आज का वीडियो का थीम है कि मैं कोई बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप शादी में होना बहुत ही जरूरी है और अच्छा लगता है, तो वो आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो कि जैसा कि अभी बहुत ही ट्रेंड में जो कि बाल का प्रॉब्लम इशू सबके साथ है, तो हेयर एक्सटेंशन तो बहुत ही मस्त है आपको शादी सीजन में यूज करने का, जिनका बाल छोटा है या बाल अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं उनके लिए हेयर एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। अब आप तो इतना सस्ता वाला हेयर एक्सटेंशन आने लगा है मार्केट में, 150 में मिल जाता है, 250 में भी मिल जाता है। तो ये हेयर एक्सटेंशन अगर आपके पास शादी सीजन में रहता है ना, तो आप शादी में हर तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हैं। लहंगे के साथ अगर आपको जूड़ा करना हो तो वो स्टाइल कर सकते हैं, या खुला रखना है तो उसमें आप जैसे गाउन वगैरह पे, तो इस तरीके के बाल मीशो वगैरह पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरीके के आप अगर आप चीज़ें यूज़ करती हैं शादी सीजन में, तो क्या होता है ना कि शादी में मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको यूज करके आप अच्छा दिख सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो इस तरीके से। मैं एक देखिए बाल जिनको कर्ल में यूज़ करना है वो कर्ल के बाल भी ले सकते हैं, सिल्की में यूज़ करना है तो सिल्की में भी ले सकते हैं। इसका मैं एक पिक भी मेंशन कर दूंगी, जो मैं चोटी बनाने के लिए हेयर एक्सटेंशन का यूज़ की थी, तो ये मेरे को मात्र 250 में मिला था। तो इस तरह के अगर आप शादी सीजन में कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो क्या होता है कि और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। तो ये फर्स्ट जो है शादी सीजन की चीज़ें एक्सेसरीज यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा शादी सीजन में इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बेल्ट। बेल्ट से आप बिल्कुल स्मार्ट गर्ल दिखते हैं, स्मार्ट वीमेन, आप अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है इस तरह का बेल्ट, सिल्वर में आपको अमेजॉन ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो इसका प्राइस 350-400 अराउंड में मिलता है। तो इस तरह का बेल्ट आप लहंगे वगैरह पे आप देखते होंगे, अभी ब्राइडल दुल्हन को भी अलग अलग लुक क्रिएट करने के लिए दिया जाता है ताकि अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे वीडियो में आप देखते होंगे, मैं लहंगे पर आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ। तो इस पर क्या होता है कि आपको साड़ी संभालने का झंझट नहीं रहता, या लहंगे पहन रहे ना तो आराम से फिक्स हो जाता है, टक हो जाता है, तो आपको कोई दूसरा मतलब साड़ी के अलग से संभालने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप खुद में अच्छा दिखते हो, और एक होता है कि आप परफेक्ट तरीके से टक हो गए, आप झुकते हो, डांस करते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये भी चीज़ें आप शादी सीजन में ले सकते हैं। एक आता है स्टिचवल वाली रबट वाली बेल्ट, वो भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं है, मैं पटना में छूट गया है। सो वो भी बेल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, दोनों बेल्ट मेरा ऑनलाइन है। तो उसमें आप एक अलग लुक ट्राई कर सकते हैं शादी सीजन में इन्जॉय करने के लिए, एंड बेस्ट दिखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खास स्पेशल दिखने के लिए, स्पेशल चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें ट्राई कर सकते हो शादी सीजन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट जो आपके पास ये वाली ब्लोअर जो होती है, ये भी मेरा मीशो से है। तो इस तरह का अगर आप शादी सीजन में रखते हो ना, ये मेरा 2 साल पुराना है, तो इसमें क्या होता है आपको बाल सुखाने में फटाफट जरूरत पड़ जाता है। कभी इसमें 2 ऑप्शन रहता है, ये निव्या कंपनी का है। तो इसमें आप एक तो होता है गर्मी के सीजन में अगर शादी हो तो गर्म ब्लोअर से बाल जो होता है ना वो कर्ल हो जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। तो इसको आप ठंडे वाले, इसमें दोनों ऑप्शन रहता है, तो दोनों ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ठंडे वाले जो ब्लोअर चला के हीट पे, उसको आप बाल सुखाने में, तो बाल काफ़ी सिल्की रहेगा, फटाफट कॉम हो जाएगा। तो ये छोटी चीज़ें आपके, ये ज़्यादा प्राइस में नहीं आती, ऑनलाइन में आपको 300-350 के अराउंड में निविया में क्या मिल जाती है मीशो से। सो ये भी आप शादी सीजन को फटाफट रेडी होने में, जूड़ा करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि बाल अगर गीला है सुखाने में, तो ये भी शादी सीजन को मस्त बनाने में ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये भी आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो शादी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। एंड नेक्स्ट जो है वो हेयर कलर है। अगर आपका बाल कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी अच्छे से रेडी हो जाओ, लेकिन आपका बाल कहीं से पका हुआ निकल गया, कहीं से भूरा निकल गया, अगर बाल कलर में नहीं है तो आप शादी को इंजॉय मतलब अच्छा नहीं दिख सकते हो। लेकिन ये है कि आपको 30 मिनट रखने के बाद आपको ये नहीं कि 24 घंटा रखना है या उसके लिए अलग से टाइम निकालना, 15 से 20 मिनट इसको घोल के गार्नियर का लगा लेते हो ना, तो बाल आपको या तो बरगंडी कलर में करना है, ब्लैक कलर में, जैसा कलर में, ये सारे कलर में ये कंपनी का अवेलेबल रहता है गार्नियर का कलर, जो कि मेरे मतलब पैदाइशी मतलब जनरेशन ही इस कलर को यूज करते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, इसका ट्राई कर सकते हो कि मतलब बाल को अच्छे से कलर कर देता है
20 मिनट में आप लगा के छोड़ के इसको धो वॉश कर लो तो ये अच्छे से बाल को कलर कर देता है और शादी को मैं और भी खूबसूरत बना देता है। बाल हर जैसा कलर आप चाहते हो, जैसे ब्राउन चाहते हो, रेड चाहते हो, जो कलर चाहते हो आप इस गार्नियर के ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो शादी सीजन को और भी ज़्यादा अच्छा बना देती है। तो ये मैं जैसा कि मैं अभी ब्लैक कलर ट्राई की हूँ, आप देख सकते हो। इसको लगाने के बाद आप 2-3 महीना तो जिनका बाल नहीं ज़्यादा पकता है वो 2-3 महीना तो आराम से इजीली चल जाता है। और तो देखो अगर बाल अगर आपका कलर में रहता है ना, तो बाल अगर कलर में है तो आप एक तो परफेक्ट तो दिखते हो, यंग भी दिखते हो जिनका बाल पकता है, और एक स्मार्ट भी दिखते हो। तो ये भी चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है जिनका बाल भूरा है। मेरा बाल बिल्कुल भूरा था तो मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखती हूँ। तो ये छोटी चीज़ें भी आप शादी सीजन को अच्छा बना सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है वो आपको पास ये जूरा वाली रबर तो होना ही चाहिए। आप अलग अलग जूरा बना सकते हो, पब बना सकते हो। एंड इस वाली ये मात्र 30-30, 40-40 रुपए में, 50 रुपए में मार्केट में मिलती है। अगर बाल का पीछे से आप इस तरीके से जूरा बना के रबर से, ये भी ऑनलाइन भी मिलती है ऑफलाइन, तो जिनका बाल का ग्रोथ कम है वो ये वाली लगा के मोटा कर सकते हैं। एंड ये वाली से पीछे से आप गजला वगैरह बना सकते हैं। देखते होंगे मैं हर वीडियो में अगर तैयार होती हूँ, रेडी होती हूँ, तो ये वाली चीज़ें गजला और ये बन तो मैं जरूर यूज़ करती हूँ। तो ये आप अपने घर में एक बार लेके रख ले कि शादी सीजन में या ऐसे भी आपको कभी भी रेडी होना हो कोई भी फेस्टिवल वगैरह के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आप अपने शादी सीजन को और भी अच्छा बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये सस्ता भी मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं। तो ये भी आप अपने मेकअप किट में तो रख ले हमेशा परमानेंट के लिए, और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में ज्यादा से ज्यादा यूजफुल होता है ये आई लाइसेस, जो कि अभी काफी ट्रेंड में, जिनका आईज बिल्कुल छोटा है, जैसे कि मेरा आईज उतना बड़ा नहीं है, बट मैं जब भी तैयार होती हूँ ना शादी वगैरह में जाने के लिए, तो मैं इस आई लाइसेस को जरूर यूज करती हूँ। इसका लगाने का तरीका बिल्कुल ईजी है गाइस। ये आपको इस तरीके का गम मिलेगा, आपको इसमें शेड अगर आप 3 वाली लेयर वाली मंगाते हैं ना, तो 3 शेड भी आ जाएगा। आप सबसे मीडियम साइज, अगर आपको बड़ा आइस नहीं और संभाल नहीं पाते, बड़ा आईलेसेस नहीं लेना है, तो बोलिएगा मार्केट में कि मेरे को सबसे छोटा वाला आईलेसेस मीडियम साइज का चाहिए, तो वो आपको इस तरीके का डब्बा मिलेगा। इसमें आपको इस तरीके का गम मिलेगा, अलग से भी ले सकते हैं, साथ में भी आता है। तो उसको लेके गम में हल्का सा लाइनिंग के पास लगाना है उसको। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें यूज करने का बताऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। इसको बस ऐसे निकालना है, इसको इस तरीके से ये देख सकते हो। तो ये आईलाइसिस लगाने के बाद क्या होता है, और भी ज्यादा खूबसूरत आईस दिखता है। तो अभी फर्स्ट बार में तो आपको गम भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑलरेडी गम है लगा हुआ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्राई दिखा देती हूँ। फर्स्ट बार में आप ऐसे यूज कर सकते हो, एंड सेकेंड बार में इसी आईलाइसिस को 4-5 बार यूज कर सकते हो आराम से। जब भी शादी, तो ऐसे ये गम को उठाना है, इसको ऐसे हाथ निकालना है और इस तरीके से हल्का हल्का लगा के आप अपने आईज के कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक चिपका लेना है। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, ये आईलाइसिस आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने में काम आएगा। तो ये भी शादी सीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि आपको परफेक्ट से परफेक्ट लुक देने में, आपको खुद से क्रिएट करने में, ऐसा नहीं है कि आप पार्लर ही जाने का जरूरत होगा। तो ये मार्केट में आपको 40-50 रुपए में मिलता है। तो ये वाली आईलाइसिस आप ट्राई कर सकते हो। देखते हो मैं हर वीडियो में इस तरह के आईलाइसिस लगाती हूँ, तो और भी ज्यादा आईज जिनका छोटा है वो और भी खूबसूरत दिखता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको शादी सीजन में अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास ये कोई भी कलर सेंस का हो, सीयूज ब्यूटी का हो, बहुत अच्छे अच्छे भी ब्रांड का भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी नॉर्मल मैटलू का नॉर्मल ब्रांड का ही है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक आई शैडो पैलेट रहेगा ना, तो उसमें आप हाईलाइटर भी लगा लोगे, ब्लश भी लगा लोगे, देन कंटूरिंग भी कर लोगे इसी और आईस मेकअप भी कर लोगे। जो आईस मेकअप तो मस्ट होता है शादी सीजन में। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसमें से आप क्रीम कलर उठाओ और उसी ये क्रीम कलर उठा और डायरेक्ट अपने खुद से हैंड से भी अप्लाई कर सकते हो ये वाली कलर। जैसा कि आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा भी यूज भी की हूँ, देखो व्हाइट और ये आप मेकअप वगैरह सूट करते हो शादी में, तो ये कलर। बाकी ब्लश के लिए आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो, पिंक से व्हाइट वाली ट्राई कर सकते हो। तो ये जो आई शैडो पैलेट होती है ना, अगर आपके पास कुछ नहीं हो, बेबी क्रीम उठा के लगाए और डायरेक्ट आप हाईलाइटर ब्लश लगा लिए तो, और आई शैडो हल्का हल्का लाइट क्रीम लगा लिए, तो ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो ये भी शादी सीजन में आप अगर सस्ते में यूज़ करना चाहते हो, तो मेरे को ये 350 के राउंड में मैट लुक का मिला था, तो ये भी आप ट्राई मतलब शादी सीजन के डब्बे में रख ही लेना एक बार, तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाने में और अच्छा दिखाने में ज़रूरत होता है। एंड नेक्स्ट जो है गाइस, जैसा कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कि बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी छोटी भी बिंदियां लगाते हैं, कितना भी अच्छा मेकअप हो लेकिन छोटा सा गोल सा बिंदी अभी ट्रेंड में चल रहा है ना, कि लंबा बिंदी में आप अच्छा नहीं दिखते हो, चिप लगता है। कलरफुल बिंदी आप इस तरीके के पत्थर रखिए, इस तरह का पत्थर आपको 20 रुपीज में कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। जो कलर में आपको यूज करना है गोल साइज में, वो आप छोटा सा बिंदी लगाइए, ना कि बड़ा,
छोटा बिंदी में क्या होता है, काफी मेकअप अच्छा लगता है, प्रोफेशनल दिखता है एंड क्यूट सा फेस लगता है, मतलब ज्यादा एज का नहीं लगता है। अगर छोटा बिंदी लगाते हो ना थोड़ा तो क्यूट सा फेस लगता है। एंड ब्लैक बिंदी का पत्थर तो एक अपने पास हमेशा रखिए, कभी भी शादी सीजन में कभी भी ब्लैक अप्लाई कीजिए बिंदी, तो अच्छा लाइट मेकअप एक बिंदी तो काफी खूबसूरत दिखेगा। तो ये इस टाइप के पत्थर 20-20 रुपए में आता है, तो अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है। आप लंबे बिंदी नहीं ट्राई करके इस तरह के छोटे छोटे साइज की कलरफुल वाली बिंदी ट्राई करिए, काफी अच्छा लगेगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं शादी सीजन में अच्छे बनाने के लिए। देन ये वाली अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है, जैसा कि हेयर एक्सेसरीज है ये, जिसको शादी को अलग अलग रूप देने के लिए, अलग अलग हेयर स्टाइल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मौज है। देखो ये 150 में मिला था मीशो से। सो इस तरह का आप हेयर एक्सेसरीज यूज करते हो ना, ये मोती वाली स्टोन वाली यहाँ पे ऐसे रख के अलग अलग बेल्ट में डिजाइन में चल रहा है। सो और भी ज्यादा शादी में आप खूबसूरत दिख सकती है, स्मार्ट और बिल्कुल प्यारा सा ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट कर सकती हैं। जो इस टाइप के जूड़े वाली पिन तो आपके पास होनी चाहिए, इस टाइप के अगर नहीं मिल रहा मार्केट में तो ये पतली वाली, इसको यूज करके आप अच्छा बन एक लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो ये एक मुंह से लेकर आया है 150 में, और ये है मेरा मीशो का 150 में। तो ये इस तरह का अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आप हेयर एक्सेसरीज में यूज करोगे तो काफी ज्यादा शादी को और भी ज्यादा खूबसूरत हैंडसम और यहाँ से यहाँ आपको लुक ले जाएगा, और बिल्कुल मतलब लगेगा कह रही ये कहाँ से मेरी मतलब खूबसूरत दिख रही है, क्या यूज की है। तो इस तरह का अभी चल रहा है बहुत ट्रेंड में, तो ये भी आप शादी सीजन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह का आप मात्र 150 में लेके अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ज्यादा खूबसूरत शादी सीजन को बना रहा है, याद याद देख सकते हो। इसको बस मैं कुछ नहीं की हूँ, इस टाइप के जुड़े वाली रबर टिकटाक ये सब आप अपने बैग में रख लो, अलग अलग चीजें लुक क्रिएट करने में काम आएंगी। तो देख सकते हो इसको बीच मांग से और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, और इसको यूज करके आप एक अलग लुक दे सकते हो। एक जितना ज्यादा अपने आप को पैम्पर करने का मौका मिलता है शादी में ही मिलता है, तो क्यों ना अपने आप को ऐसा लुक दे कि मतलब एक अलग लगे, एक परफेक्ट लगे, एक मतलब इनहैंस सबका नजर मेरे तरफ जाए, अट्रैक्ट लगे एंड शादी सीजन बहुत ही ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। तो ये भी आपको एक अलग लुक क्रिएट करने में जुड़े के साथ भी अच्छा लगेगा। देखती हूँ कि मेरा एक वीडियो गया था शादी में, मैं यही वाली यूज की थी तो काफी ज्यादा खूबसूरत ये अभी जुड़े लगाने के और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो इस तरह के आप ट्राई कर सकते हो शादी सीजन को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो और ये रहा गाइस नेक्स्ट जो है वो ये है फ्लावर्स। अगर आपके पास मतलब ज्यादा महंगा नहीं खर्च करना चाहते तो ये 30-30 रुपीज की फ्लावर आती है, इसमें छोटी वाली भी फ्लावर आती है व्हाइट वाली फ्लावर, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। या इस टाइप की फ्लावर ये देखिए पीछे से ये टिकटॉक वाली है, तो इसको भी आप एक गजला वगैरह बना के और ऐसे फ्लावर लगा के और भी ज्यादा जूड़ा में अच्छा लगेगा दुल्हन की तरह, मतलब अगर हैवी लुक करना चाहते हैं तो ये दो फ्लावर को मिला के और इस तरीके से लगा लेते हो ना, ये देखो कितना अच्छा लगेगा। ये एक साइड वाल करके मतलब जुड़े में ये, अभी तो मैं ऐसे जस्ट आपको ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ, तो इस टाइप से आप फ्लावर वगैरह लगा लेते हो तो देखो। एक मैं शादी में अभी उत्तराखंड गई थी तो रोज लगाई थी इस तरीके से, कितना अच्छा लगेगा, एक अलग ही अपने आप में फील करते हो, एक खूबसूरत सा फील आता है, एक अच्छे सा फील आता है, अपने आप को पैम्पर करने का मौका मिल जाता है। तो देखो तो ये सारी चीजें जो है वो आपके पास, तो पेन और टिकटॉक और रबर नेल पेंट, जो कि आप हमेशा एक रेड नेल पेंट करके रखते हो तो आपको हमेशा कलरफुल नहीं करना पड़ेगा कि हाँ चलो टाइम नहीं है तो ये वो कलर छोड़ा के लगा ले वो लगा ले, लेकिन आप एक रेड कॉमन इंडियन कलर आता है रेड आप नेल पेंट लगा लेते हो तो जी शादी सीजन को अगर आपका नेल कितना भी मेकअप कर लो तैयार कर लो और नेल का नेल पेंट ही छूटा है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखते हो तो शादी सीजन को अपने आप को खूबसूरत और यहाँ से यहाँ पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा जरूरत फुल रहेगा। आज का वीडियो का थीम छोटे छोटे चीजें को आप यूज करके और भी अपने आप को अच्छा। तो नेक्स्ट आपको इस तरीके के बैग लेना है अपने आप को एक परफेक्ट लुक देने के लिए। आप ये नहीं कि आजकल लोग क्या करते हैं बड़ा बैग साड़ी पे ना बड़ा बैग ले लेते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड बड़ा बैग का नहीं है गाइस। इस तरह का आप छोटे सा क्लच वाली बैग लेते हो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लहंगे पे भी साड़ी पे भी, आप इसको चाहे तो लंबा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो, बट ये छोटे वाले बैग लेते हो ना तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। और आप ये चीज ध्यान रखना कि शादी में ना साड़ी पे ना आप छोटा वाला ही बैग लेना, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि आपको नॉर्मली आपको ज्यादा चीज चाहिए नहीं, कैश वगैरह थोड़ा सा रखना, मेकअप तो ऑलरेडी आप करके रखते हो तो छोटे वाले बैग में से आपको छोटे छोटे जरूरत की चीजें ब्लश वगैरह आ ही जाता है पाउडर वगैरह। तो इस तरह का बैग आप ट्राई करना शादी सीजन में, बड़ा वाला बैग को बिल्कुल स्किप करना, छोड़ देना इस टाइप का, तो और भी अपने आप को साथ इसको इस तरीके से डाल लेना है। या आप एक वॉच एक हाथ में, ये नहीं कि भर भर की चूड़ियां पहन ली, एक हाथ में आप लहंगे पे भी या साड़ी पे भी एक हाथ में आप इस तरह का ब्लैक वॉच डाल लेना, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है
और बस एक हाथ में आप जितना चाहे हो बैंगल भर भर के डालो, बट एक हाथ में वॉच। तो ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने में और लुक अच्छा करने में काम आएंगी। तो चलिए, आई होप आप लोग आज का वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। तो जो है आपको शादी सीजन में अच्छा दिखने के लिए आपको, आप लोग तो क्या करते हैं, पाउडर तो हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं, हाइलाइटर, ब्लश, जितना सारा क्रीम, इतना इतना मेकअप तो पोत लेते हैं, लेकिन उसको कैसे फिक्स करके रखना है, पाउडरी नहीं दिखाना है, उसके लिए आपको एक चीज़ होना और लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, जो कि है मेकअप फिक्सर। तो मैं ये शादिया में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करती हूँ, मेकअप फिक्सर है ये, किस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर है। सो आपके पास जो भी ब्रांड का हो, जैसे कि स्यूज ब्यूटी का भी अच्छा ब्रांड आता है, ये किस ब्यूटी का है, इसका आई थिंक प्राइस 350 अराउंड है। तो आप अगर आप कितना भी ज़्यादा क्रीम पोत लेते हो, लेकिन हाईलाइटर ब्लश लगा लेते हो, लेकिन आप मेकअप से फिक्स नहीं करते हो, तो आपका चेहरा बिल्कुल पाउडरी दिखता है एंड साइन नहीं करता, 24 आवर आपका मेकअप फिक्स नहीं रहता है। आप मतलब शादी में एक दो घंटे के बाद मेकअप काला पड़ जाता है, या तो ढलने लगता है या पसीना से पिघलने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या होना जरूरी है वो है मेकअप फिक्सर, जो कि है किस ब्यूटी का। सो आप देख सकते हो ये, इसका फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा अच्छा है, दूर से ही आपको ये नहीं कि पूरे चेहरे से के सामने से यूज करना है उसको, इस तरीके से जैसे यहाँ पे हैंड है तो यहाँ से यूज करेंगे। देखिए खुशबू इतना अच्छा लगता है और मेकअप को फिक्स कर लेता है, ऐसे जस्ट आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो आप ज़्यादा अगर पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप किस ब्यूटी का ले लो, ये 300 में आपको मिल जाएगा और ये आपको मेकअप को फिक्स करने में काम करेगा। तो ये चीज़ें भी आपको शादी के बॉक्स में, शादी सीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि आपको आपको इन्हेंस करने में, लुक अच्छा देने में एंड आपको शादी में चार चांद लगाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल होगा। तो ये भी आप ट्राई करना एक बार, और अपने यकीन माना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड पैम्परिंग करने में अच्छा मौका दे सकते हो। वीडियो यूजफुल होगा तो फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आए तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।